जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं, जबलपुर गोंदिया रेल मार्ग पर कल शाम बड़ा रेल हादसा हुआ है जिसमें एक युवक चलती ट्रेन से जा गिरा। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, ये हादसा कहां हुआ और कैसे हुआ, किस ट्रेन में हुआ, वर्तमान में क्या परिस्थिति है, ये सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कल शाम 9 जुलाई को जबलपुर गोंदिया रेल मार्ग पर रेल हादसा हुआ जिसमें एक युवक चलती ट्रेन से नीचे जा गिरा। ये हादसा जबलपुर नैनपुर रेलखंड में हुआ, जहां नैनपुर से शाम 5 बजे छूटने वाली चेरी डोंगरी नैनपुर जबलपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, जो नैनपुर से चलकर जबलपुर की ओर जा रही थी, इसी ट्रेन में सफर कर रहा एक युवक चलती ट्रेन से गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनपुर से जबलपुर की ओर जाने वाली ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से चलकर लगभग शाम 6 बजे के आसपास बेनेकी रेलवे स्टेशन पर पहुंची और जब ट्रेन बेनेकी रेलवे स्टेशन से रवाना होने लगी तभी ट्रेन के डिब्बे के गेट पर बैठा हुआ एक युवक अनियंत्रित होकर पटरी पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल 25 वर्षीय युवक है जिनका नाम एवं पता हम आप लोगों को नहीं बता रहे। युवक घनसो रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा था और वह मजदूरी करने जबलपुर जा रहा था। मौके पर मौजूद ग्रामीणों की मदद से घायल युवक को पटरी से उठाया गया व थर्मल पावर प्लांट की एम्बुलेंस से जबलपुर मेडिकल रेफर किया गया। दोस्तों रेल यात्रा के दौरान अपना ख्याल जरूर रखिएगा, ऐसे हादसे जानलेवा भी हो सकते हैं। रेल यात्रा के दौरान अपना एवं छोटे बच्चों का ध्यान जरूर रखिएगा। यात्रा के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं की होती है, ऐसे में ऐसे हादसों से जरूर बचकर रहना चाहिए। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इस नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा जैसे कि ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।